प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, जब भी महापुरुषों के लफ्ज़ हमें सुनने को मिलते हैं, हमारी ज़िंदगी में एक राह दिखाते चले जाते हैं। हम वो महापुरुष जो इस धरती पर आ चुके हैं, उनके लफ्ज़ों के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को सुधारना चाहते हैं। महापुरुष जब भी कुछ कहते हैं और कह गए हैं, उन्होंने यही चाहा कि हम सब सच्चाई को जानें, सच्चाई के साथ जुड़ें और अपने कदम असलियत के रास्ते पर बढ़ाते चले जाएं। हिस्ट्री की ओर देखें तो ऐसे महापुरुष जिन्होंने अभ्यास किया, जिन्होंने अपने अंदर पिता परमेश्वर के दर्शन किए, जिन्होंने प्रभु की नज़दीकी पाई, उन्होंने ही असलियत क्या है उसको अपने अपने लफ्ज़ों में दर्शाया। ये ज़िंदगी जो हम जी रहे हैं, इसमें हम में से हर एक का कोई मकसद है। ये ज़िंदगी ऐसे ही नहीं इंसान जी रहा कि सिर्फ यहाँ इस धरती पर आए और जो उसे लगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपने अपने हर एक के रोल्स हैं। कोई पिता है, कोई माता है, कोई पति है, कोई पत्नी है, कोई बच्चे हैं, कोई भाई बहन है, अलग अलग रोल्स निभाते हुए, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए इस दुनिया से चल बसे। मकसद हम सब का एक ही है, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात समझने की है। ये नहीं कि 7 बिलियन लोग इस धरती पर आए तो सबका मकसद अलग अलग है। हर एक का मकसद एक ही है और वो मकसद है अपने आप को सही रूप में जानना और फिर पिता परमेश्वर को पाना। सेल्फ रियलाइजेशन और गॉड रियलाइजेशन, यही हम सबका एम है। चाहे हम एक देश में पैदा हुए हों, चाहे एक भाषा बोलते हों, चाहे कल्चर में हों, चाहे किसी भी धर्म को फॉलो कर रहे हों, हर एक इंसान का मकसद एक है। अब बहुत से कम लोग हैं जो उस मकसद को जान पाते हैं। इंसान का ध्यान बाहर की दुनिया में इतना व्यस्त रहता है कि उसके सिवा इंसान को और कुछ दिखता नहीं और सुनता नहीं। मन इंद्रियों के घाट पर जीते जीते सब कुछ जो हमारे अंदर इंद्रियों के जरिए आता है, हम उसी को असली समझना शुरू हो जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये माया की दुनिया असलियत से कहीं दूर है। असलियत यहाँ पर छुपी हुई है, पर्दे में है। उसके ऊपर कई मन माया के पर्दे पड़े हुए हैं। जब तक वो हटेंगे नहीं, तब तक असलियत क्या है उसकी जानकारी हमें होगी नहीं। हमें उन पर्दों को हटाना है। हम सब असलियत को जान सकते हैं, ये बार 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 महापुरुष हमें समझाते चले। जितने भी महापुरुष हैं, अगर हम उनके शिष्य को देखें तो वो तरह तरह के थे। उनके काम अलग अलग थे, वो अलग अलग कल्चर्स के भी हो सकते थे, उनके सोशल स्टेटस भी अलग अलग थे। ये नहीं था कि खाली एक ही ग्रुप और लोग थे जिनको के महापुरुष सच्चाई के बारे में समझाते थे। जिस जिसके अंदर प्रेम की डोर खिंची,
वही अपने सद्गुरु की नजदीकी पाता और प्रेम की डोर उसके अंदर खींचती है जो इंसान असलियत को जानने के लिए पात्र हो, रिसेप्टिव हो। जब तक हमारे अंदर रिसेप्टिविटी नहीं होगी, जब तक हम पात्र नहीं होंगे, जब तक हम सच्चाई को जानने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक अगर सच्चाई हमारे अंग संग होगी भी तो उसे समझे बगैर ही हम इस धरती से चल बसेंगे। तो वो अवस्था जिसमें कि हम अपने आप को तैयार रखें, वो अवस्था जिसमें कि हम सच्चाई की जानकारी पा सकें, उस अवस्था में पहुंचना बहुत ही जरूरी है। तो उसके लिए चाहिए क्या? संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि एन एथिकल लाइफ इज अ स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी, कि सद्गुणों का हमारी जिंदगी में होना एक पहला कदम है रूहानी रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए। सद्गुण, सच्चाई से जिंदगी जीना, अहिंसा का रास्ता अपनाना, प्रेम से जीना, नम्रता से जीना, निष्काम सेवा भाव से जीना, करुणा से जीना, एक ऐसी जिंदगी जिसमें कि सुख चैन हमारे अंदर हो और औरों के अंदर हो, कि हलचल कम से कम प्रोड्यूस करना ताकि एटमॉस्फेयर शांत रहे, वहां पर कोई हलचल ना हो। क्योंकि जब तक हम शांत अवस्था में पहुंचेंगे नहीं, तब तक जो सच्चाई है उसका हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांच चोर हैं जिन्होंने हमें घेरा हुआ है, जिनके जरिए जो प्रभु ने हमें देन दी है, जो सांसों की देन दी है कि हम कितनी देर जिएंगे, उस समय को ये पांच चोर बर्बाद करते हैं। हमें ये हलचल की ओर लेके जाते हैं और जब भी हम हलचल में होंगे तो हम फिर असलियत को पा नहीं सकेंगे। असलियत को पाने के लिए हमें एक शांत अवस्था में होना। हम जहाँ जी रहे हैं इस धरती पर और पिता परमेश्वर जो कण कण में समाए हैं, लेकिन कई खंड मंडल हैं, पेंड आन ब्रह्मांड पार ब्रह्म सचखंड, उसकी अलग अलग फेथ्स में, रिलीजन्स में अलग अलग महापुरुषों ने अलग अलग डिवीजन समझाई है। पिन से ज्यादा शांत अंड, अंड से ज्यादा शांत ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से ज्यादा शांत पार ब्रह्म, उससे भी ज्यादा शांत सचखंड, जहाँ शांति शांति को हलचल आई नहीं, क्योंकि वहां पर आत्माएं प्रभु से एक में एक है, किसी को कोई हलचल नहीं है। एक और तरीके से समझाया गया है कि शांति 22 किस्म की है, एक के ऊपर दूसरी के ऊपर तीसरी, तभी जाके आप प्रभु को पा सकते हो। तो अलग अलग सभ्यताओं ने अलग अलग तरीकों से समझाया कि हमें कुछ शांत अवस्था में होना, तभी हम जाकर पिता परमेश्वर को पा सकेंगे। तो वो शांत अवस्था लाएं कहाँ से? बाहर की दुनिया में तो हलचल ही हलचल है। सुबह इंसान उठता है, उठते सारे कुछ ना कुछ हलचल हो जाती है, तो पति पत्नी में हलचल हो गई, कुछ बाल बच्चों के साथ हलचल हो गई, कुछ टेंशन है कि टाइम से ऑफिस में पहुंचना है, ये कहीं पर ये चीज़ करनी है, कभी ट्रैफिक में इंसान फंस गया, हलचल हो गई। तो हलचल 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 ये जिंदगी का कुछ हिस्सा बन गया और उस अवस्था में जीते हुए जहाँ के हमारे अंग संग हलचल ही हलचल है, हम शांत अवस्था को पाए कैसे? कोई
सोचता है कि शायद कहीं पहाड़ के ऊपर जाकर हमें शांति मिलेगी, किसी को पानी बहता हुआ बहुत अच्छा लगता है तो दरिया के किनारे पर जाकर शांति ढूंढते हैं। हम सब जो जो हमारे ख्यालात में तो उस लिहाज से शांति को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन महापुरुष हमें समझाते हैं कि शांति कहीं बाहर नहीं, हम सबके भीतर है। एक इंग्लैंड में उन्होंने सर्वे की थी, कुछ साल हो गए, तो उन्होंने कहा कि एक पेंटिंग बना के जो भी उस कंपटीशन में आना चाहता है वो पेंटिंग बना के भेजें कि शांति कैसे लगेगी। और फिर उन्होंने जजेस, हाँ जो अच्छे अच्छे लोग थे, उनको जजेस रखे कि वो निर्णय करें कि कौन सी पेंटिंग सबसे अच्छी है। कहीं उन्होंने डस्ट बनाई, कहीं उन्होंने बड़ा आसमान बड़ा शांत सा बनाया, तरह तरह की पेंटिंग लोगों ने बना के भेजी। इंटरेस्टिंग ये है कि जजेस ने पेंटिंग वो सेलेक्ट करी जिसमें किसी बच्चे ने दिखाया था कि समुद्र में तूफान आ रहा है, इसे समुद्र बहुत बड़ा तूफान आ, जैसे जिंदगी में हलचल हर एक की जिंदगी में चलती रहती है, उस तूफान में एक पत्थर दिखाया गया जिस पत्थर में एक कटआउट था, जैसे पत्थर होता है ना उसमें से जैसे काट दिया बीच में जगह बनी है और उसमें पानी कहीं यहाँ से गिर रहा है, यहाँ से गिर रहा है, यहाँ से गिर रहा है, तूफान आ रहा है, ऐसे दिखाया जैसे आंधी चल रही तूफान आ रहा है समुद्र में, और दिखाया कि उस तूफान में उस पत्थर के बीच में एक छोटी सा बर्ड चिड़िया बैठी हुई थी और बिल्कुल शांत अवस्था में थी। तो हलचल के अंदर शांति पाना यही हम सबका मकसद है। अगर हम सोचें कि किसी शांत जगह पर जाकर शांति पाएंगे तो वो नामुमकिन है। हमें जीते जी जहां भी जी रहे हैं, जो संत मत का रास्ता है, ये मैं कहता है घर बार हमने छोड़ना नहीं, बाल बच्चों के साथ रहना है, जिंदगी की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कर्मों के लिहाज से हमारे पास आई हैं उनको पूरा करना है, तो इसे संत दर्शन सिंह जी महाराज पॉजिटिव मिस्टिज्म कहा करते हैं। इसमें कोई चीज निगेट नहीं करनी, कोई चीज छोड़नी नहीं, ये नहीं कि हम बाल बच्चों को छोड़ दें, ठीक है वो उनका प्रभु तो ख्याल करेगा ही, हमें कुछ करना नहीं है, लेकिन अपनी अपनी जिंदगी जैसे जैसे प्रभु ने हमें दी है उसको जीते हुए उस शांत अवस्था को पाना है, और वो हम सब पा सकते हैं। ये बार 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 महापुरुष हमें समझा रहे हैं, हर एक इंसान पिता परमेश्वर को पा सकता है। फर्क ये है कि ध्यान हमारा किस ओर है। अगर ध्यान सही जगह पर होगा तो उसे हम जरूर पाएंगे, और शांति पाने के लिए ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करना है। इसीलिए हर एक तरीका जो शांति पाने का अलग अलग फेस में समझाया जाता है उसमें मन को शांत करना सिमरन के जरिए सिखाया जाता है। शरीर को शांत करना बहुत आसान है, मन को शांत करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मन विचारों के जरिए हमारा ध्यान बाहर डाल देता है, और सिमरन के जरिए मन को हम प्रभु की ओर कर सकते हैं। सिमरन प्रभु के नाम का जाप है, और जैसे उस जाप को किया जाता है मन शांत होना शुरू हो जाता है, और जब शरीर शांत होगा मन शांत होगा तो फिर हमारे कदम असलियत की ओर तेजी से बढ़ेंगे। इस दुनिया में तरह तरह के लोग जीते हैं और थोड़े से ही हैं जो अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर डालते हैं। किस किस्म की हम कंपनी रखते हैं
उसका असर हम पर पड़ता है। जिस किस्म के हमारे दोस्त मित्र होंगे, रिश्तेदार होंगे, जिस किस्म के ख्यालात उनके होंगे, जिस किस्म की बातचीत होगी हमारे इन्वायरमेंट में, उसका बहुत गहरा असर हम पर पड़ता है। तो इसलिए संगत किसकी करनी है वो बड़ी जरूरी है। बार 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 महापुरुष समझाते कि हमें सच्चाई की संगत करनी है, उनके साथ जीना चाहिए जो सच्चाई की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, उनके साथ जीना चाहिए जिनके ख्यालात प्रभु की ओर हों, उस किस्म की बातचीत करनी चाहिए जो हमें प्रभु की ओर ले जाए। संत कृपाल सिंह जी महाराज तो यहां तक फरमाते थे कि एवरी डेविएशन फ्रॉम गॉड और दर्शन, कि हर एक चीज जो हमें प्रभु से दूर लेके जाती है वो खराब ही खराब है, कि हर पल हर क्षण जिसका ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होगा या जो ऐसे कार्य करेगा जो प्रभु की ओर हमें खींच के लेके जाएंगे, तो फिर उस इंसान की जिंदगी अपने मकसद को पूरा कर पाएगी। हर एक धर्म हमें समझाता है हम सच्चाई से जिए, प्रेम से जिए, अहिंसा से जिए, लेकिन इंसान ऐसा करता नहीं। जब तक रहनी सच्ची नहीं होगी तब तक हम कुछ भी कर सकते हैं, उसका हमें कोई फायदा नहीं। तो हम जीते कैसे हैं, हम दिन में करते क्या हैं, हम सोचते क्या हैं, हमारा ध्यान किस ओर है, हमारे बोल कैसे हैं, हमारे एक्शन कैसे हैं, वही दर्शाता कि हम रियली में कर क्या रहे हैं। किसी को दिखाने के लिए या इवन अपने आप के लिए भी आदमी सोचे ये मैं कर रहा हूं बहुत अच्छा कर रहा हूं, लेकिन रियली में कैसे जिंदगी हम जी रहे हैं। अगर जिंदगी पाक ना हो, साफ ना हो, सुची ना हो, तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं सकते। और अगर इसका हक मार लिया, उसकी चापलूसी कर दी, उसके पीछे टांग खींच दी और उल्टी सीधी हरकतों में इंसान लगा रहे, क्योंकि बहुत से इंसान लगे रहते हैं, तो चाहे वो ऊपर से लगे कि अपने धर्म स्थान में जा रहा है या उसके कहने को मान रहा है, वो सही तरीके की जिंदगी नहीं जी रहा। कि ऐसी जिंदगी इंसान को जीनी नहीं चाहिए, यही यहां समझा रहे हैं। और आगे फरमा रहे हैं कि सलाह दी कि खबरदार ओ जी शाहूर रहो। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि मैं आपको ये सलाह दे रहा हूं कि जो लोग विवेक से जीते नहीं, सच्चाई से जीते नहीं, उनसे हम खबरदार रहे। जो दिखावे की जिंदगी जीते हैं उनसे हम परे रहें, नहीं तो अगर उनकी संगत में होंगे तो हम भी उनके रंग में रंगे जाएंगे। वो कह रहे मैं आप सबको खबरदार कर रहा हूं कि वो लोग जो सच्चाई से नहीं जीते, जो धोखे फरेब से जीते हैं, जो जिनका ध्यान बाहर की ओर है, जो चापलूसी से जीते हैं, बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, इधर कुछ करेंगे उधर कुछ करेंगे, तो उनसे आप सावधान रहिए। ये लोग अहले नुमाइश हैं, इनसे दूर रहो। कि जो ऐसे लोग हैं ये सब दिखावे की जिंदगी जीते हैं, इनसे हम दूर रहें। क्योंकि जैसी जैसी हमारी संगत होगी वैसे ही हम होंगे। अगर कुछ हमने किसी को कहना है तो हम तो खुद उस पर अमल करें। अगर खुद कुछ सच्ची सुच्ची जिंदगी जिए तभी किसी को कुछ कह सकते हैं। और अगर आप वो करें जो ठीक नहीं और किसी को कहें जी आप ऐसे करो, तो उसका कुछ असर होगा नहीं। यही संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यहां समझा रहे हैं। बार 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 जब भी महापुरुष इस धरती पर आते हैं तो हमें सच्चाई के रास्ते पर चलने को कहते हैं। वो चाहते हैं कि हम अपने मकसद तक पहुंचें। वो जानते हैं कि मकसद तक पहुंचने के लिए ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होना चाहिए। जिस ओर हमारा ध्यान जाएगा वैसे ही हम बनेंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज इसी एस्पेक्ट को और समझा रहे हैं कि कैसे हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, लेकिन
क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं। तो वो समझा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जब अभ्यास करने के लिए कोई बैठता है इंसान, कोई शांत अवस्था में बैठता है ताकि प्रभु का उसको अनुभव हो, लेकिन अंदर से हमें क्या, मन जो है वो उस ओर जाने नहीं दे रहा, वो भटक रहा है। कभी यही याद करा देगा कल क्या हुआ, कभी कहेगा कल क्या करना, कहेगा ओ बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जाना है, कुछ और कहेगा जी ये बिजनेस में ये हो गया, यहाँ पे कुछ और हो गया। तो जब तक ध्यान पूरी तरीके से उस इबादत में होगा नहीं, तब तक हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ नहीं पाते। यही बार 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 हमें महापुरुष समझाते हैं। हमें अपनी जिंदगी में ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करना है, वो समय जब कि हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होता है, उस वक्त कोई नया कर्म नहीं बन रहा। इसलिए अभ्यास करें तो सही तरीके से करें, इसमें शरीर भी शांत हो, मन भी शांत हो और इंद्रियां भी खिंची हुई हो। अगर सत्संग में आए तो पूरा ध्यान अपने सदगुरु की ओर दें। जब हम निष्काम सेवा भाव से जीते हैं, जब किसी की मदद करते हैं जिसमें को हम अपने लिए कुछ पाल नहीं पा रहे, उस वक्त भी कोई कर्म नहीं बनते, क्योंकि ध्यान प्रभु की ओर और किसकी मदद कर रहे हैं। लेकिन बहुत सी बार होता क्या है कि हम जहां पर सब कुछ पास थे वहां पर होकर भी अपने ध्यान को संभाल नहीं पाते और वो हमारा बाहर चला जाता है। एक वाक्य सत्संगों में महापुरुष सुनाया करते थे कि दो दोस्त थे, खेल रहे थे। जब वो खेल रहे थे तो खेलते खेलते एक को याद है उसको, ओ ये तो सत्संग का टाइम हो गया, मैं सत्संग में जानू। तो दूसरी ओर ने कहा, यार क्या ये तो बुजुर्गों का काम है सत्संग में जाना, हम लोग खेलते हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं तो सत्संग में जाऊंगा, तूने खेलना तो अपने आप खेल। तो पहला दोस्त सत्संग में चला गया। अब जब सत्संग में गया तो वहां बैठ के उसका ध्यान अपने दोस्त में लगा, ओहो वो ये खेल रहा होगा, वो ये खेल रहा होगा, ये खेल रहा, मैं यहाँ पर बैठा हूँ। और जो उसका दोस्त जो खेल रहा था उसका ध्यान अपने दोस्त में गया, ओहो वो सत्संग में गया, वो तो बड़ी अच्छी बातें सुन रहा होगा, ये भी अच्छा सुन रहा होगा, वो भी अच्छा सुन रहा होगा, मैं यहाँ पे खेल रहा हूँ, तो फायदा किसको हुआ? उसको नहीं जो सत्संग में आया, क्योंकि वो तो उसका ध्यान बाहर है, लेकिन वो जो बाहर खेलता हुआ ध्यान सत्संग में कर रहा है। तो हमारी अटेंशन क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अटेंशन राइट अरीना में नहीं होगी तो हम कुछ भी पाने के लायक नहीं होंगे। तो बार 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 महापुरुष हमें समझाते हैं कि हम ध्यान असलियत की ओर दें। असलियत हमसे अलग नहीं, हम सबके भीतर है। और जब ध्यान अंदर की दुनिया में जाएगा तो हम देखेंगे कि सारी चीजें हमारी जिंदगी में सही होने शुरू हो जाएंगी। हम सब पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। प्रभु हमसे दूर नहीं, हमारे बहुत नज़दीक हैं, हमारे भीतर ही हैं। हमने सिर्फ ध्यान उनकी ओर करना है। तो आज के दिन मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में, जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि हमें इतना बल दें कि इस हलचल की दुनिया में रहते हुए हम अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर कर पाए। हम जाने कि प्रभु हमारे अंग संग हैं, हमारे नजदीक हैं, हम उन्हें जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उन्हें पा सकते हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम उनसे मिलें, वो चाहते हैं हमारा ध्यान उनकी ओर हो, और वो हम सबसे बहुत प्रेम करते हैं। तो हमें अपना ध्यान अपनी लगन उनकी ओर करनी है, तभी हम जो जिंदगी का मकसद है उसको पूरा कर पाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। जो आंखों के डेले आई बोलते हैं सीधे सामने होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो।
आंखें बंद करते वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन नहीं हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मनी मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। जो कुछ आपके सामने दिखता है बड़े ध्यान से देखिएगा और बहुत से नज़ारे आपके लिए खुलने शुरू हो जाएंगे। मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज कि चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।